सो इसमें आपको बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, राइट। सो सबसे पहले आपको लीनियर मॉलिक्यूल बताने हैं और जिसमें कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं हो, राइट, यानी sp3d2 sp3d3 इस टाइप के ना हो, राइट गाइस। सो आप देखिए सेम है गाइस, वही ट्रिक है, वही सब कुछ है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। बेरिलियम BCl2 का देखते हैं, बेरिलियम का 4 है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में, इसके 2 है, राइट। सो 2 क्लोरीन सिग्मा प्लस Lp कितना हो गया 2, यानी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। आपको क्या बताना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स बताने हैं। sp हाइब्रिडाइज्ड है यानी ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। सिमिलरली अगर आप, ये लीनियर हो गया, आप N3 नेगेटिव को देखें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक N ऐसे यूटिलाइज हो गया, एक नेगेटिव था ऐसे, एक N ऐसे यूटिलाइज हो गया, यानी सिग्मा 2 sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब लीनियर है ये भी, राइट गाइस। तो sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर है, तो यहाँ पे ये भी हो गया सही। सो N2O का क्या देखना है, N2O में देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, एक एन का ये, एक दो सिग्मा एनपी sp हाइब्रिडाइज, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल हो गया sp, राइट गाइज। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, ये भी सही है, NO2 पॉजिटिव, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 O है, तो मैं एक हटा देता हूँ, O एंड O sp हाइब्रिडाइज है ये भी, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, sp हाइब्रिडाइज हमेशा लीनियर ही होगा, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, यानी ये भी हो गया। O3 को देखें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दो O बचे, दो O से सिग्मा प्लस Lp कितना हो गया, 1, 2 एंड 3, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया विद वन लोन पेयर, और sp2 हाइब्रिडाइज अगर विद वन लोन पेयर होता है तो उसकी शेप होती है गाइज बेंट, यानी कुछ इस टाइप से इसकी बनेगी शेप, राइट गाइज। सो ये नहीं है। HCl2 देखते हैं, HCl2 बेसिकली हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऑक्सीजन सल्फर एक ग्रुप है, 2 Cl, तो ये हो गया, तो ये भी sp हाइब्रिडाइज नहीं है, लीनियर नहीं है, राइट गाइज। अगेन ICl2 नेगेटिव में देखिए, I कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक नेगेटिव है, इसका भी जोड़ देते हैं, Cl2 हो गए, Cl, तो यानी ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी sp3d हो गया, ये तो वैसे ही नहीं हो गया, डी को यूज नहीं करना है, ये भी नहीं हुआ, राइट गाइज। सिमिलरली I3 नेगेटिव देखें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक ये 2 I और रह गए I, तो ये भी नहीं है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये भी sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि जो XeF2 बचा, ज़ीनोन आपका क्या है, एक नॉर्मल गैस है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 2 F है, राइट गाइज। सो 1 sigma 2 sigma 3 4 एंड 5, यानी sp3d ये भी हाइब्रिडाइज है, यानी ये भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपको बताना है नंबर 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या है आपका 4।